नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। तो चलिए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें जो रही सुर्खियों में। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथी बार भेजा समन। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। अमेरिका ने यमन में हुती विद्रोहियों को निशाना बनाकर शुरू किया एक और हवाई हमला। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला निमंत्रण। आईआईटी दिल्ली में आज से 2 दिवसीय प्राइड फेस्ट का होगा आयोजन। पीएम मोदी आज बिहार से लोकसभा चुनाव अभियान शुरू कर सकते हैं। सोमालिया में चरमपंथियों ने संयुक्त राष्ट्र का हेलीकॉप्टर किया जब्त, 4 यूक्रेनी नागरिक थे सवार। पटना में बीपीएससी के नवनियुक्त शिक्षकों को नीतीश कुमार आज नियुक्ति पत्र देंगे। गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल के तहत दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए घोषित की टीम, ध्रुव जुरेल को मिला मौका। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और लाइव अपडेट्स के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज पर।